हेलो एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडे वी विल गो थ्रू द थर्ड पार्ट ऑफ द पोयम नंबर 5 ऑफ क्लास 12th इंग्लिश. इन द प्रीवियस पार्ट्स वी हैव सीन दैट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज टॉकिंग अबाउट द पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड हार्ड वर्क ऑफ द पुअर विलेज फार्मर्स. ही कंट्रास्ट द लाइव्स ऑफ द पुअर विद दैट ऑफ द रिच पीपल. द पोएट सेड दैट द फार्मर्स हु हैड पुट अप द शेड appealed to the city dwellers to stop and to buy their farm yields so as to enable them to earn some extra money for a decent living. And it would not be fair for the people to say that they are begging at the roadside stand, because they are not begging for a piece of bread, but they wanted a respectful living by selling their fruits for money, which the passers-by had to spend in the city. तो उन्होंने जो दुकान लगाई थी वो दुकान जो थी वो प्लीट करती थी क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. किन से कहती थी? वो रिच पीपल से कहती थी कि तुम लोग आओ हमारी दुकान पर और कुछ खरीदो यहाँ से. और हमने ये भी पढ़ा था, पोएट ने बताया था कि वहाँ जो गवर्नमेंट है या लीडर्स हैं वो ग्रीडी गुड डायर्स हैं. Poet says that those people are greedy good dyers. क्यों? क्योंकि वो exploiters हैं उनके लिए. वो उनको धोखा देते हैं, उनसे promises करते हैं कि हम तुम्हें theater बना कर देंगे, तुम्हें अच्छी अच्छी shops देंगे, लेकिन वो देते कुछ नहीं है. वो चीज़ें वो जो farmers नहीं, जो poor people हैं, उन्होंने कहाँ देखी हैं? उन्होंने movies में देखी हैं. तो उनकी एक जो उम्मीद होती है वो जग जाती है कि नहीं, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी. लेकिन सब बेकार, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी ज़मीन लेकर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी रातों की नींद छीन लेते हैं, जिस तरीके से वो पहले सोया करते थे. एंशियंट वे एक वर्ड आया था, एंशियंट, कि उनकी रातों की नींद को छीन लिया जाता है. जो दिन में थकते थे और रात को अच्छे से सोते थे वो सब ख़त्म हो जाता है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हियर. Sometimes I feel myself I can hardly bear. Here the I is the poet. So the poet is distressed. Poet is upset. वो कह रहा है मुझसे ये सब चीज़ें सहन नहीं होती हैं. वो कह रहा है मैं tolerate नहीं कर पाता हूँ ये सब चीज़ें. तो in this line the Frost talks about his own personal feelings. He is upset. वो क्यों upset है? क्योंकि ये जो नेक्स्ट लाइन है द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग वेन, वो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो इनकी जो सोच है, इनकी सोच, फार्मर्स की जो सोच है वो बहुत ही सो मच चाइल्डिश है. यानी बच्चों की तरह है इनकी सोच, कि ये बच्चों की तरह ये इंतज़ार करते रहते हैं. उनकी जो डिज़ायर्स हैं कि कोई गाड़ी आकर यहाँ पर रुके, तो ये सब क्या है? सब वेन है, सब बेकार है. उनका बच्चों की तरह इंतज़ार करना क्या है? बेकार है. तो ये जो सोच है उसकी वजह से पोएट को दुख हो रहा है, वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा है. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उनके जो चेहरे हैं, सैडनेस, सैड फेसेस जो है, जिनके अंदर उदासी छुपी हुई है, लर्क्स, लर्क्स मीन्स छुपी हुई है, हिडन है, नियर द ओपन विंडो, जो कि कहाँ बैठे हैं? ओपन विंडो में, पास में बैठे हैं ओपन विंडो के. That waits all day in almost open prayer, जो कि इंतज़ार करते हैं पूरा दिन कि कोई गाड़ी आकर रुकेगी यहाँ पर और हमसे आकर कहेगी भाई साहब ये चीज़ दे दीजिए हमको और हमें इससे कुछ पैसा मिल जाएगा. वो ओपन प्रेयर करते हैं. देखो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, ओपन विंडो, ओपन प्रेयर. तो ओपन विंडो यानी स्टॉप, वहाँ शॉप है, शॉप के पास एक विंडो है, उस पर वो बैठा हुआ है और वो देखता रहता है कि कोई गाड़ी आकर यहाँ रुकेगी और वो ओपन प्रेयर कर रहा है, खुली आंखों से प्रेयर करता रहता है कि भगवान कोई गाड़ी को रोक दो, यहाँ पर गाड़ी आकर रुक जाए तो हमसे वो ये चीज़ें कोई खरीद ले. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार. अब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील मीन्स आवाज, साउंड, साउंड ऑफ ब्रेक्स, कि कोई भी गाड़ी आकर रुकेगी, स्क्वील करेगी, चिल्लाहट आएगी, उस आवाज की जो नॉइज होती है, साउंड होता है, वो निकलेगा. फॉर द स्क्वील ऑफ नॉइज द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार. सो दे प्रे दैट साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार शुड बी हर्ड आउट ऑफ
thousands of all the thousand selfish cars that pass. They pray that sound of a stopping car should be heard out of thousands of cars that pass through all the day. And one did stop, but only just one to inquire what a farmer's prices are. लेकिन एक गाड़ी आकर रुकती है आखिरकार, लेकिन वो भी क्यों रुकी? उसने आकर सिर्फ क्या पूछा? फार्मर से उसका प्राइस पूछा है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो खुद ही कह रहा है इस चीज को, मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि ये जो सोचते हैं बच्चों की तरह, चाइल्डिश लॉन्गिंग है इनकी, बच्चों की तरह इंतजार करते हैं, सब बेकार है, वेन है। और उनके जो चेहरे हैं, सैडनेस यानी सैड फेसेस जो हैं, उनमें जो छुपी हुई है, जो सैडनेस छुपी हुई है, और वो लोग किसके पास बैठे हैं? ओपन विंडो के पास बैठे हैं, सारा दिन इंतजार करते हैं, ओपन प्रेयर करते हैं। किस लिए ओपन प्रेयर करते हैं? कि कोई गाड़ी आकर यहाँ पर रुकेगी, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स स्टॉप होना, ब्रेक्स मीन्स टू स्टॉप देयर, कि गाड़ी की आवाज आएगी, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, जितनी भी बहुत सारी गाड़ियां वहां से सेल्फिश कार्स निकलती हैं, वहां से गुजरती हैं, उनकी आवाज यहाँ पर आएगी और वो यहाँ पर आकर रुकेंगे। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। लेकिन आखिरकार एक गाड़ी आकर रुकती है तो वो भी इंक्वायरी करती है और उस फार्मर से सिर्फ प्राइस पूछती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। और जो दूसरी गाड़ी आती है, एक गाड़ी तो आकर चली गई, उसने क्या किया? उसने सिर्फ उसके बारे में पूछा कि सामान का प्राइस क्या है। लेकिन एक और आती है गाड़ी, वो क्या करती है? उनके यार्ड को क्या करके चली जाती है? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। वो उनके वहां आती है, उनके आंगन में आके रुकती है, लेकिन रुकी भी किस लिए? उसको गाड़ी को मोड़ना था, और उस मोड़ने में क्या होता है? टू प्लो अप ग्रास। उनकी जो घास है वो क्या हो जाती है? उखड़ जाती है उस चीज से। एक गाड़ी आई, उसने क्या किया? इंक्वायरी करी फार्मर्स से, सामान कितने कितने का है। दूसरी गाड़ी आती है, वो घास उखाड़ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनके यार्ड तक पहुंचती है, क्योंकि उसको टर्न लेना है गाड़ी को, तो टर्न करती है, वो टर्न अराउंड करती है और उनकी घास को प्लो अप करके चली जाती है, उखाड़ कर चली जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और तीसरी गाड़ी जो आई है वो रास्ता पूछती है, आकर उनके पास आकर खड़े होते हैं और पूछते हैं, भाई साहब ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। तो कई तरीके के लोग वहां पे आते हैं, पोएट बता रहा है कि देखो आते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं है। एक और आती है गाड़ी, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्योंकि उनकी गाड़ी में शायद गैस खत्म हो गई होगी, तो वो पूछते हैं, क्या तुम लोग गैलन ऑफ गैस यानी गैस का सिलेंडर भी रखते हो? दे कुडंट, दे हैड मूव, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तब यहाँ पे वो कहते हैं ऐसा, दे कुडंट, दिस क्रॉसली मीन्स गुस्से में, बहुत अनॉयड हो जाते हैं जब वो लोग, फार्मर्स जो है अनॉयड हो जाते हैं, तब कहते हैं, नहीं हम ये चीज नहीं रखते हैं। दे कुडंट, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हें नहीं दिखाई देता? सो दे से इफ सिटी पीपल वांट टू कीप देयर मनी विद देम देन डू सो एंड गो अहेड। तो उसका मानना ये है, पोएट कह रहा है कि अगर सिटी पीपल अपना पैसा अपनी जेब में रखना चाहते हैं वो रखें, आगे बढ़ें, हमें इससे कोई लेना, यानी इन फार्मर्स को इससे क्या लेना देना, चले जाओ यहाँ से, क्यों रुकते हो फिर यहाँ, हमसे ये सब चीजें क्यों पूछते हो? तो इस पर किसान जो है वो क्या होते हैं, नाराज होकर कहते हैं, क्या वो देख नहीं सकते कि वो क्या बेच रहे हैं और क्या नहीं बेच रहे हैं? तो यहाँ पे इस तरीके से पोएट ने उनकी सारी मतलब सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया कि कैसे गाड़ी आती हैं, इंक्वायर करती हैं, रुकती हैं, टर्न करती हैं और गैस के बारे में भी पूछती हैं, रास्ता भी पूछती हैं, लेकिन उनसे कोई भी चीज कोई खरीदता नहीं है। सो फार्मर्स कीप वेटिंग इन वेन ऑल डे टू स्टॉप अ कार। दे डिजायर दैट अ कार स्टॉप देयर टू आस्क the price of their produce, though their longing is childish. It seems as no one stops there. They keep window open all day and wait in vain with their sad faces. So here I have completed these lines of the poem number 5. In the next video, we will complete
the poem. Thank you all of you.